But later on, their resistance was proved by Maxwell Clark. तो आगे की बात हम कर रहे हैं, क्लार्क साहब को आगे भी हम मिलते रहेंगे और उनके बारे में बताते रहेंगे, आज हम देखेंगे उन्होंने एक वेव क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग, इट इज अ वेव विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड these electric field and magnetic field are perpendicular to the direction of motion of wave 2. wave motion करता है ना, तो मान लो अगर इन इन fingers को हम ऐसे straight करें तो ये क्या होगा, wave का motion होगा, ठीक है, ये wave का motion होगा। this is electric field and this is magnetic field, अब ध्यान दें ये दोनों में क्या है, perpendicular है ना, motion of the wave and electric field ये दोनों में perpendicular है। अच्छा चलो अब इस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर और मोशन ऑफ द वेव और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, 90 डिग्री। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव व्हिच कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। सो चलिए पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन से पहले हम आपको बताते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, है जी। चलिए ये डायरेक्शन अगर मोशन की है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां आप देखोगे, ध्यान से देखना बच्चों, क्या होगा ना बाद में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन ला रहे हैं, ये जो डार्क लाइन है ना, दीज डार्क लाइन से छोटा होता है बराबर होना चाहिए ना, चलो लगभग बराबर बनाने की कोशिश कर देखिए। ये बोर्ड लाइन से जो हमने ड्रॉ किया ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप ध्यान दिए क्या होगा, E नॉट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं इसी में, तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी देखने में लगेगा थोड़ा आसान हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको गरीब नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये क्या है। बड़ा मेस क्या है जो ना, नहीं अब ध्यान दीजिए क्या है, ये देखो ये डॉटेड लाइन है ना, दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इसका ये पी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू दर्शा रहा होगा, तो डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो ये आपका क्या है, मोशन ऑफ द वेव, ठीक है। अच्छा इस पे अगर कंसेंट्रेट करो, केवल इस पे ध्यान दो, ये देखो ये और ये ऐसे 3D पिक्चर अपने दिमाग में इमेजिन करो, तो ये क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं है, यहां देख लो तो क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं है, ऐसे समझो ये क्या है, ऐसे ऐसे 3D में इसको ऐसे समझो, ऐसे तो देखो 90 डिग्री है कि नहीं है, तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। अब बात आती है भाई कि ये मोशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं, ध्यान दो यहां की बात अगर हम करें, यहां देखो ये देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मोशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है कि नहीं, बिल्कुल है, देखो 90 डिग्री वाला, इसकी बात करोगे तो सीधे दिख रहा है 90 डिग्री, यही है ना मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के साथ भी आपका ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या बना रहा है, 90 डिग्री। इट मींस कुछ नहीं, ध्यान से देखो बच्चों, बस ध्यान से ऐसा, फिर ये एंड को ले जाना है इस एंड में मिला देना है, फिर यहां से शुरू करना है इस एंड में मिला देना है, या इस एंड
से शुरू करना है, डॉटेड से यहां पे डाल देना, आपका ईएमयू तैयार हो जाएगा। ईएमयू में डीसी से सी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव लेकर के मैंने आपको दिखा दिया। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव consists of electrical component and component ये हमारे electrical field और magnetic field मिल सकते हैं, कोई गलती नहीं है, magnetic component perpendicular to each other है ही दिख रहा है आप, as well perpendicular to motion of जी साहब। तो ये तो बात हुई मेरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, वेव विच कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, इसको कहेंगे हम ईएमवी। ठीक है, याद है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है पैदा कैसे करेंगे, जैसे बेसिक में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो पैदा कैसे करेंगे, तो इस पर हम बात करेंगे कि पैदा कैसे करेंगे। चलिए पैदा करते हैं, हाँ जी तो पैदा कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसे जो है प्रोडक्शन करेंगे, बहुत ही सिंपल, कई बार बोर्ड में आया होगा, है जी। अब शुरुआत में मैंने बताया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज से, स्टेशनरी चार्ज से, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज से या करंट से, है जी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक्सीलरेटिंग चार्ज से या ऑसिलेटिंग चार्ज से। तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ईएम वेव आसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम ईएम शॉर्ट में लिखेंगे, ईएम वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज ऑब्लिक ऑसिलेटिंग बहुत सारे तरीके के हैं, हाँ जी आप तो जानते ही हैं। तो ईएम वेव का सबसे पहला एग्जांपल हम आपको क्या देते हैं, विजिबल विजिबल लाइट, जिससे आप देखते हैं, जो आपको देखने में सक्षम बनाता है वो भी क्या है, ईएम वेव।
एक्सरे जब आपकी हड्डी टूट जाती है, बाइक 2000 किलोमीटर पर किलोमीटर की रफ्तार से, सारे आपकी हड्डी ना टूट गया तो बढ़ जाती है, अगल बगल वाले में जिसको उड़ाते हैं उसकी हड्डी टूटती है। तो एक्सरे का यूज, एक्सरे जो है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके साथ माइक्रोवेव, उसमें वो माइक्रोवेव जिसमें आपकी मम्मी तंदूरी मुर्गा जो है रोस्ट करती है वाला माइक्रोवेव, उसमें यूज होता है। तो ये भी, ये माइक्रोवेव भी क्या है, विजिबल। रेडियो, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, हाँ तो साहब जो आप रेडियो वेव्स जो आजकल आप अपने सिग्नल सुनते हैं टीवी वी और सारी चीजें वायरलेस में जो बातें होती हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू होती हैं। रेडियो वेव्स के अलावा हमारे बहुत ही खतरनाक कैंसर के इलाज के लिए यूज होता है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कैंसर डायरेक्टर तो इलाज करता है, लेकिन ज्यादा प्रोलॉन्ग अगर एक्सपोजर होगा ना आपके बॉडी का एक्सरे में तो कैंसर हो ही जाएगा। साथ ही साथ गामा रे का यूज किसी करते हैं कीटाणु मारने के लिए, जर्म्स मारने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सरे होगा, एक्सरे के बाद यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, यू अल्ट्रा वायलेट यानी वायलेट के पार वाला, ठीक है। विजिबल रेज सात तरह से मिलकर होती हैं। विजिबल रेज शुरू कहां से होता है, जस्ट आफ्टर इंफ्रारेड, और खत्म कहां होता है, वायलेट के सात रंग होते हैं, इससे पहले कौन बनेगा, इंफ्रारेड, इंफ्रा रेड। तो ये इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रेज और यूवी रेज, है ना जी। ये दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रकार हैं, ठीक है। इनके बारे में, इनके बारे में आगे हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में हम अब हम पढ़ेंगे यूज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉरी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का की प्रॉपर्टीज ये आ गया है, 93 प्रॉपर्टीज ऑफ मूवमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। तो ये तो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि ईएम वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स वेव होता है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ऐसा ऐसा है जी, यानी पार्टिकल, पार्टिकल लेकिन पार्टिकल जो है अपने पॉइंट पे वाइब्रेट कर रहा है, वेव किधर जा रहा है, वेव की डायरेक्शन किधर है, यानी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव का पार्टिकल इस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव होता है। तो ट्रांसवर्स वेव कौन होता है, इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ईएम वेव ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, याद रखिएगा है जी। एंड ईएम वेव की अगर वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो यहां एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मिलेगा, वो मिलेगा सी इज
ई नॉट अपॉन वी नॉट जे, ठीक है जी, ई नॉट अपॉन वी नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आप रखिए वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे आप तो ये कितना जाएगा 4π × 10⁻⁷ एंड एप्सिलॉन नॉट का मान 3.85 × 10⁻¹⁴। These are the values. इनको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी? Which is nearly equal to what? सीधे कह रहे हैं आप 3 × 10⁸ m/s, ठीक है? तो ये रिलेशन एकदम याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। तो उसको अभी हम देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ईएम वेव, देखिए बाकी जो आपके वेव्स हैं उनको प्रोपगेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? किसी मीडियम की जरूरत होती है, बट ईएम वेव्स वेव does not require any material for propagation। क्यों? देख लीजिए आप बहुत किसान डर रहे हो, आप ही नहीं जानते कि लाइट क्या है, ईएम वेव है, और वो कहां से आपकी सूरज और सूरज से कहां आती है पृथ्वी पे। आप जानते हो सूरज और पृथ्वी के बीच क्या है? वैक्यूम है, देयर इज नो मीडिया, ऑल द लाइट इज कमिंग टू द अर्थ। इट मींस ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चले आते हैं साहब। सभी तरह का ईएम वेव चाहे एक्स है चाहे गामा है वो सबकी वेलोसिटी क्या होगी? वही जो लाइट की वेलोसिटी होगी। थर्ड, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ईएम वेव किस तरह का वेव है? ईएम वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव को हम क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइजेशन के बारे में आपको बाद में बताएंगे, उसकी चिंता ना करिएगा, उस समय इसे हम डिस्कशन करेंगे। ईएम वेव कि ये जो इंपॉर्टेंट आपके प्रॉपर्टीज हैं इसके साथ साथ कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बट इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए फोर्थ, ईएम वेव ए
एग्जर्ट मोमेंटम, ईएम वेव जो होता है ये एग्जर्ट करता है मोमेंटम को, याद रखिएगा। और फिफ्थ द एनर्जी ईएम वेव की जो एनर्जी है इस पार्शियली इलेक्ट्रिकल और ये कितना होता है 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन एंड पार्शियली मैग्नेटिक। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलके बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बन रहा है, इसलिए ऐसा होगा पार्शियली मैग्नेटिक। और ये वाली कितनी आएगी, ये तो आपने पढ़ा ही था कैपेसिटर वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी 1/2 d² / μ। ठीक है, तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ईएम वेव में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये जो ये प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हमें स्टिक करके रखना है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप हो सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड के जो आपके वेव्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव है, रेडियो वेव के बाद आपका एक्सरे है, एक्सरे के बाद आपका माइक्रोवेव है ना, यूवी वेव है, अल्ट्रावायलेट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कोई कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसको फाइनल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।